हाय गाइस, मेरा नाम है जालंधर भारद्वाज और आप सभी को मेरे इस यूट्यूब टेक स्टार चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले चलते हैं कंप्यूटर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्टकट की को सीखेंगे। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, यदि कोई सॉफ्टवेयर है और आप उसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं, अगर आप उसका शॉर्टकट की बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिब्रे ऑफिस है और इस लिब्रे ऑफिस का मैं शॉर्टकट की बनाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि कोई शॉर्टकट की को प्रेस करूँ और यह ओपन हो जाए। सो फ्रेंड, आप बना सकते हैं। इसके लिए आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर प्रॉपर्टीज का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे और आपको यहाँ पर शॉर्टकट की का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके आप बना सकते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि मैं यहाँ पर कंट्रोल अल्ट और यहाँ पर कोई लेटर टाइप कर देंगे, जैसा कि मैं यहाँ पर जी को प्रेस कर देता हूँ और यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दूंगा। सो फ्रेंड, यहाँ पर ओके और यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक कर देंगे, जैसा कि हमारा शॉर्टकट की बन गया। और आप यहाँ पर कंट्रोल अल्ट और जी बटन प्रेस करेंगे तो हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं लिब्रे ऑफिस ओपन हो गया। सो फ्रेंड, चलते हैं दूसरा शॉर्टकट की को सीखते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर शट डाउन करने के लिए यहाँ पर स्टार्ट मेनू में जाते हैं और आपको यहाँ पर शट डाउन यहाँ से हम कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर हम टाइप करते हैं यहाँ पर अल्ट प्लस F4 से शट डाउन करते हैं। सो फ्रेंड, इसके लिए हम यहाँ पर टाइप करेंगे विंडोज प्लस R बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम शट डाउन टाइमिंग सेट करेंगे। जैसा कि यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ शट डाउन और इसके बाद स्पेस यहाँ पर -S और यहाँ पर स्पेस -T, इसके बाद यहाँ पर सेकेंड टाइप करेंगे। जैसा कि मैं यहाँ पर 1 टाइप करूँगा तो हमारा 1 सेकेंड में ही हमारा PC बंद हो जाएगा। सो फ्रेंड, यहाँ पर हमने 600 टाइप कर देता हूँ। यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि हमारा 10 मिनट में यहाँ पर PC बंद हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि SMS हमारा आ गया, विंडोज विल बी शट डाउन इन 10 मिनट। यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। सो फ्रेंड, जैसा कि हम 10 मिनट में बंद हो जाएगा। सो फ्रेंड, इसके लिए इसको हटाने के लिए आप फिर से विंडोज प्लस R बटन को प्रेस करेंगे और आप इसमें टाइप करेंगे शट डाउन और -A टाइप करके ओके पर क्लिक कर देंगे। सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉग ऑफ इज कैंसिल, यहाँ पर कैंसिल का ऑप्शन दे दिया। सो फ्रेंड, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसा कि मैंने यहाँ पर शट डाउन का बटन को बनाया हूँ और आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपका जितना टाइमिंग सेट रहेगा उतने टाइम में आपका PC बंद हो जाएगा। सो फ्रेंड, इसके लिए यहाँ से हम इसको हटा देते हैं और आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना होगा और आपको यहाँ पर न्यू का ऑप्शन दिख रहा है और यहाँ पर शॉर्टकट का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें आप टाइप करके बनाएंगे। सो फ्रेंड, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर शट डाउन लिखेंगे, टाइप करेंगे इसमें और -S स्पेस, इसके बाद -T और यहाँ पर सेकेंड टाइप करेंगे देंगे। जैसा कि मैंने 600 टाइप कर दिया या यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दिया। सो फ्रेंड, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे डेस्कटॉप पे आइकन बन के तैयार हो गया है। आप इसका आइकन लगाना चाहते हैं तो आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे और आपको यहाँ पर चेंज आइकन का ऑप्शन दिख रहा है, आप यहाँ से आइकन को लगा सकते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा शट डाउन का यहाँ पर बटन बन गया। आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर PC शट डाउन हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर माई वॉचिंग वीडियो।